दस ग्यारह छियासठ की तीसरे पेज के मध्यान्ह की बात चल रही थी। शंकराचार्य को जगतगुरु कह देते हैं, परंतु वो कोई सारी दुनिया का गुरु नहीं है। सारी दुनिया का गुरु तो एक बाप ही आकर के बनते हैं। सब आत्माओं का बाप है जो एक ही निराकार है, वो टीचर भी है और गुरु भी है, ये किसी को पता नहीं है। साधु संत आदि गवर्नमेंट को कहते हैं हमने हर होम छोड़ा है, अभी देखो इन्हों के पास कितने पैसे रहते हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, फिर वो गुरु कैसे बन सकते जब उनका भी उद्धार मुझे करना पड़ता है। खुद भी गंगा स्नान करने जाते हैं फिर कहते हैं हम जगत गुरु हैं। पतित पावन बाप है या गंगा है? कितने ढेर हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, इनों की जैसे राजा ही है, वो गुरु लोग इतना जल्दी थोड़ी बनेंगे, कब मानेंगे? इतना जल्दी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे? उनके चेले चपाटे चल जाएंगे, जब उनके सारे चेले चपाटे टूट जाएंगे तो आकर के मुंह लटका लेंगे। वो ये भी नहीं मानेंगे कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इन बातों को वो मान ही नहीं सकते। तुम किसी को सुनावेंगे तो कहेंगे तुमको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। अगर इन बातों को मान जाए तो सारी उनकी राजाई चली जावे, परंतु आगे चल करके ये सब समझेंगे, परंतु फिर टू लेट हो जाएंगे। इस बात के लिए टू लेट हो जाएंगे। चलने के लिए कोई भी माला में नंबर आने के लिए टू लेट हो जाएंगे, वो फिर अपने ही धर्म में चले जा रहे हैं, अपने धर्म में जावेंगे, अपने धर्म की माला बनावेंगे। बाप की जो माला है राजाई प्राप्त करने वाली माला, राजा बनने वाली माला, उस माला में नहीं आवेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवी देवता धर्म, ऐसे तो वास्तव में ऊंची तो ऊंची है ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि अभी तुम ब्राह्मण हो और बाप के साथ बैठे हुए हो। बाप आते हैं ब्रह्मा तन में और तुम ब्रह्मा की औलाद बनते हो, तो ऊंचते ऊंच बाप के साथ तुम बैठे हो तो तुम हो ऊंचते ऊंच चोटी। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र विदेही बाप है, उसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मेरा नाम है शिव, मेरी बिंदी का ही नाम है, ये नाम कभी बदलता नहीं है। कब बदलता है? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। मैं हूं परमात्मा,
मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूं। हर्द की रात क्या, ये 12-12 घंटे की हर दिन होती है, और बेहद की रात क्या, संगम युग में कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया में घोर अंधियारा फैल जाता है, ज्ञान का अंधियारा, वो बेहद की रात। जब ऐसी रात फैल जाती है तो मैं आता हूँ दिन बनाने के लिए। अभी है संगम, इन बातों को अच्छी रीति समझ करके फिर धारण करना चाहिए कि मैं कौन से संगम युग पर आता हूँ, कौन सी बेहद की रात में आता हूँ। तो स्मृति में लाना चाहिए ना, चित्र देखने से ही 84 जन्म फौरन याद आ जाएंगे। अभी हम चक्कर लगाए आए हैं, फिर बाबा हमको जंप दिलाते हैं, हम हाई जंप लगावेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। यह है 14/11/66 की प्रातः क्लास, रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना, आज हसे कल रुला न देना। किसको रुलाएंगे और कौन रुलाएंगे, रावण रुलाएंगे, किसको रुलाएंगे, रावण किसको रुलाएंगे, रावण तो सीता को रुलाता है। यहां किसने किसको कहा, बाप ने बच्चों को कहा कि जो बचपन के दिन है जब नई नई ज्ञान में आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह से आते हैं, चाहे बेसिक में आते हैं चाहे एडवांस में आते हैं, तो कितना खुश होते हैं, जैसे कोई निधि मिल गई हो। फिर धीरे धीरे वो नशा माया उतारती रहती है, उतरते उतरते फिर बाप को भूलने लगते हैं। तो बताया ये बचपन के दिन भुलाए न देना, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया है, क्या समझ लिया है, ज्ञान में आने के बाद भी चार अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। जब ज्ञान में शुरू शुरुआत में आते हैं तो सात्विक स्टेज होने के कारण ऐसे लगता है बस हम तो बाप के बन गए, समर्पण में बुद्धि हो गई, तो अर्पण में जो होता है उसको बल बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत उमंग उत्साह आ जाता है। फिर धीरे धीरे माया अपना काम करती है। बचपन तीन प्रकार का है, एक लौकिक है और दूसरा है निवृत्ति मार्ग वालों का बचपन। वो भी घर बार छोड़ करके जीते जी मर करके जाए सन्यासियों के बनते हैं, उनके वही गुरु सन्यासी हैं, उनको बाप नहीं होता है। जो घर बार छोड़ते हैं, घर बार से मरते हैं, घर बार से निश्चय उखड़ जाता है, विश्वास टूट जाता है, वो सन्यासी जो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं वो फिर बाप नहीं मानते, किसको, गुरु को बाप नहीं मानते। उनके साथ रहते हैं
बाप का बनना माना बचपन, बाप को पहचान लिया निश्चय बुद्धि हो गए माना बच्चा बन गया। वो जीते जी मरकर जाए गुरु का बनते हैं, वो तो जंगलों में चले जाते हैं। तुम्हारा तो है वंडरफुल बचपन, एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो, लौकिक माता पिता से बुद्धि हट जाती है और अलौकिक माता पिता से पारलौकिक माता पिता से बुद्धि जुड़ जाती है। यहां तो है रूहानी माता पिता, वो होते हैं जिस्मानी माता पिता और ये है रूहानी माता पिता। हम रूह बच्चे हैं, हमको ज्ञान मिला है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम ये शरीर हम ये जिस्म नहीं है, ये जिस्म जिस्मानी माता पिता से मिला है। जिस्मानी माता पिता एक जन्म से कनेक्टेड है, जब तक ये जिस्म है तो उनके जिस्मानी माता पिता भी माने जाते हैं, लेकिन आत्मा के माता पिता तो हमेशा की। अबे हमेशा आत्मा रहती है, आत्मा कभी विनाश को पाती नहीं, तो आत्मा के माता पिता भी अविनाशी। तो तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, मरजीवा माने पुराने पन से मन गए और नए माँ बाप के बन गए, इसलिए गोद का रूहानी जन्म है। रूहानी बाप के बच्चे बनते हो, रूहानी बेहद का बाप तुमसे बातें कर रहे हैं, वो तो सब है जिस्मानी बाप, ये है रूहानी। इसलिए गीत है बाप का बन करके मर्जीबा बन करके, फिर ये जो उमंग उत्साह अभी मिला है, जो खुशी मिली है उसको भूल नहीं जाना। शिव बाबा कहते हो ना, शिव बाबा तो है ऊंचे ऊंचे भगवान। जो कोई गीता आदि पर कुछ डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है ऊंचे ऊंचे भगवान कौन है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कौन है, ब्रह्मा देवता कहा जाता है, विष्णु देवता कहा जाता है, श्लोक गाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा देवता ही नमः, विष्णु देवता ही नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीसरी मूर्ति की ओर जब जाते हैं तो ऐसे क्यों कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। इसका मतलब है कि ब्रह्मा और विष्णु देवता कोटि के हैं और शिव शंकर भोलेनाथ परमात्मा पाठधारी हैं। वो सभी का बाप है, सारी दुनिया वालों का वो बाप है। सारी दुनिया में कौन कौन होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के तो होते हैं, तो सबका वो बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है क्या कि वो सुप्रीम सोल आत्माओं का तो बाप है ही, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन के द्वारा मुकर्रर पार्ट बजाता है तो वो तनधारी जो भी मनुष्य मात्र है किसी भी धर्म संप्रदाय के हो वो सब का बाप है। एक धर्म का धर्म पिता नहीं है, वो सब धर्म पिताओं का भी बाप है। माने जो भी खास खास धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए अपना अपना धर्म स्थापन किया
उन सब धर्म पिताओं का, उन बापों का भी बाप है, सब उसको मानते हैं। क्राइस्ट भी उसको मानते हैं, गॉड फादर कहते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सब उसको बाप मानते हैं। पहले पहले ये बात समझा ली कि ऊंचते ऊंचे बाप तो एक होगा ना, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट है वो ऊंचते ऊंचे नहीं है, ऊंचे हैं, महान है, लेकिन महान ते महान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि को कब गॉड फादर नहीं कहेंगे? क्या कहा? ब्रह्मा को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे और विष्णु को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। वो जगत के पिता नहीं है। जगतम पितरम वंदे किसको कहा जाता है? शंकर पार्वती को कहा जाता है। पहले तो ये पक्का करो कि सारी दुनिया का बाप एक है। ये जो अनेक धर्म पिताएं बैठे हुए हैं, अलग अलग धर्मों के धर्म पिताएं, वो अनेक पिताएं मनुष्य सृष्टि के बाप नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो एक ही है, जिसमें शिव सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से आता है। तो ये पक्का करो। वो संगम युग निवासी ब्रह्मा कोई काम का नहीं। गॉड फादर जो निराकार है वो एक है। ब्रह्मा का रूप निराकारी स्टेज वाला नहीं होता। और बाप जब बाप के रूप में आता है तो निराकारी स्टेज वाला होकर रहता है। तो यह है समझानी बहुत ऊंची। जिसको मालिक भी कहते हैं, इसको निराकार को या साकार को, उस निराकार गॉड फादर को मालिक भी कहते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, सब पतितों को पावन बनाने वाला। अगर बाप है तो वर्षा जरूर मिलेगा। बाप से क्या मिलता है? बाप से जन्म मिलता है। जिन बच्चों को जन्म मिलता है उन बच्चों को फिर बड़े होने पर वर्षा भी मिलता है। बच्चे समझदार बनते हैं, बड़े बनते हैं, तो वर्षे के हकदार होते हैं। लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है, एक जन्म का वर्षा मिलता है। वो भी कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। इस पारलौकिक बाप से जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है और बेहद का वर्षा मिलता है और सबको मिलता है। क्या 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको बाप का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा न मिलता हो। तो ये बात याद करो कि उसे बेहद के बाप से यह वर्षा कब मिला था। याद करना चाहिए ना। बाप तो है ही नहीं दुनिया रचने वाला। ऐसे लोग तो बाप होते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, तो पुराना मकान गिराना पड़ता है, नया मकान बना के देते हैं। ऐसे ही बेहद का बाप है। बेहद का बाप है
तो सारी मनुष्य सृष्टि के लिए नई दुनिया बना करके देते हैं। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है, कोई भी पुरानी दुखदायी वस्तु नहीं होती। उनका नाम शिव है, क्यों? क्योंकि वो हर हालत में कल्याणकारी, जो कुछ बोलता है वो भी कल्याणकारी, जो देखता है वो दृष्टि भी कल्याणकारी, जो वाइब्रेशन छोड़ता है वो भी कल्याणकारी, और जो भी कर्म करता कराता है वो सब कल्याणकारी है। कहते भी है शिव परमात्मा नमन, उनकी जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि वो है पति तो पावन रचयिता, नॉलेज फुल है। तो जब नॉलेज फुल है तो सर्वव्यापी की बात हो जाती है, उनकी महिमा है क्रिएटर। क्या क्रिएट करते हैं? आत्मा थोड़े क्रिएट की जाती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ही, वो क्रिएट करता है नई दुनिया को। जो पुरानी दुनिया है, दुखदाई दुनिया है, उस दुखदाई दुनिया को बदल करके, दुखधाम को बदल करके सुखधाम बनाता है। तो ऊंचते ऊंच है ही गॉड फादर, वो धर्म पिता है, ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आकर के नई दुनिया नहीं बनाते। काम ऊंचते ऊंचे नहीं है तो नाम भी उनका ऊंचते ऊंचे नहीं हो सकता, उनको ऊंचते ऊंचे कहेंगे नहीं। ऊंचते ऊंचे है बाप, जो कि इस सारी दुनिया को नया बनाए देते, उनको रैमदिल भी कहते, लिबरेटर भी कहते। दुखहरता दुखहरता है ना, गायन भी है सुखहरता दुखहरता। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं कि दिखाए फलाने फलाने स्थान कहाँ है। विलायत से आते हैं तो उनके गाइड यहाँ का देते हैं सब कुछ दिखाने के लिए। तीर्थ यात्रा आदि पर ले जाने वाले पंडे आदि भी होते हैं, अब बाप को भी गाइड देते हैं। कहाँ का गाइड है? नई दुनिया का। वो नई दुनिया का गाइड है, नई दुनिया का रास्ता बताता है, शांति धाम का रास्ता बताता है, सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताता है, और दुखधाम से छुड़ाए देता है। दुखधाम से छुड़ाता है तो लिबरेटर कहा जाता है। तो जरूर उसने कब गाइड किया होगा ना, सर्वव्यापी कहने से तो सारी बातें खत्म हो जाती। पहले पहले समझाने ये है कि वो सबका बाप है, गीता है ही शिव भगवान की गाई हुई, इसको सिद्ध कर लिया। तो सारे शास्त्र जो गीता के बाल बच्चे हैं वो खुद ही सिद्ध हो जाते। क्या सिद्ध कर लिया है गीता को? क्या सिद्ध कर लिया है गीता का भगवान को? गीता का भगवान निराकार शिव परम पिता परमात्मा है, साकार श्री कृष्ण नहीं है, और ब्रह्मा नहीं है, नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा है साकार। एक भी फोटो ब्रह्मा का ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो, सैकड़ों हजारों फोटो ब्रह्मा के बने हुए, लेकिन उन फोटोज में एक भी निराकारी स्टेज का फोटो नहीं। इससे साबित होता है कि वो क्राइस्ट है, बुद्ध, गुरु नानक की तरह पिता नहीं है। क्या है?
माता का पाठ। माता होती है साकारी और बाप होता है बीज, बीज अर्थात निराकारी। तो पहले गीता का सच्चा नाम बताना चाहिए। गीता का सच्चा नाम क्या हुआ? है? गीता का सच्चा नाम क्या हुआ? है? गीता उसका सच्चा नाम क्या होगा? गीता है तो गीता पति भगवान है। जगदम्बा। हाँ जी, वो सारे जगत की माता है। माता है तो पिता भी जरूर होगा। तो वो है निराकार भगवान जो उवाच करता है। एक गीता शास्त्री ऐसा है जिसमें भगवान उवाच लिखा हुआ है। तो भगवान उवाच गीता है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र। क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि। लेकिन जब सर्वशास्त्र शिरोमणि है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना। सारी दुनिया उसको क्यों नहीं मानती? सब धर्म के लोगों को मानना चाहिए। क्या कारण हुआ कि नहीं मानती? क्योंकि उसमें साकार का नाम डाल दिया गया। दूसरे धर्म वाले तो निराकार को मानते हैं, वो साकार को तो मानते ही नहीं। तो वो गीता को भी नहीं मानते क्योंकि इसमें भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। तो जो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग होती है। यहां भी जो गीता है उस गीता में नाम डाल दिया पिता श्री ब्रह्मा भगवान। पहले मुनियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है, बाद में जब मम्मा बीमार हुई थोड़ा मम्मा का यज्ञ में नियंत्रण कम हुआ तो जो मनमत चलाने वाले हैं उन्होंने मुरली में डालना शुरू कर दिया शिव बाबा याद है से पहले डाल दिया। क्या डाल दिया? पिताश्री शिव बाबा याद। माना जो पिताश्री ब्रह्मा है वो ही शिव बाबा हो गए। तो पिताश्री ब्रह्मा ने क्या मुरलियां गाई? मुरलियों का ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। लेकिन शिव बाबा ने भी आखिर आदि में कब सुनाया? पहले कब सुनाया? सन 36 में 37 में पहले वो ज्ञान का बीज रोपण किसने किया? आदि ब्रह्मा ने वो ज्ञान का बीज रोपण किया। तो उस आदि को भूल गए। ब्रह्मा का जो रूप है, माता का जो रूप है, प्यारापन का जो रूप है उसको पकड़ लिए। तो बताओ अब शिव बाबा की पहचान क्या होगी? जब गीता में नाम ही डाल दिया श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का, और ब्रह्मा है साकार। तो जो साकार है उसको सारी दुनिया भगवान नहीं मानेगी। वो तो कहते हैं मैं शरीर का आधार लेकर के पतित से पावन बनाता हूं। जिस शरीर का आधार लेके पतित से पावन बनाते हैं, दादा लेख रहे हैं ब्रह्मा का आधार लेकर के पतितों को पावन बनाते हैं। पतितों से पावन तो कोई बना नहीं, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। न तन पति से पावन बना और न मन बुद्धि
25 से 52 बने, तो ये बात तो झूठी हो गई। क्या कि गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा है, वो दादा लेखराज ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है। ये गलत शूटिंग कर दी। यहां जिन्होंने शूटिंग की वही वहां ड्रामा में जो ब्राड ड्रामा होगा द्वापर युग से, वहां भी कृष्ण का नाम डाल देंगे और दुनिया में भारत का मान मर्तबा कम हो जाएगा, गीता का मान मर्तबा कम हो जाएगा। तो राजयोग सिखाने के लिए बाप आते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मैं आकर के तुमको पढ़ाता हूं, मैं राजयोग सिखाता हूं, इसमें चरित्र आदि क्या करेंगे, ये तो आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम सतयुग में जाकर के राज्य करेंगे और तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में होंगी। क्या तुमको वर्षा मिलता है और बाकी सब आत्माएं क्यों, तुमको वर्षा क्यों मिलता है बाकी सब आत्माएं शांति धाम में क्यों होंगी, बाकी आत्माएं भी सुख धाम में जावे। तुम माना है जो डायरेक्ट सामने बैठे हुए हैं, जो सन्मुख बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं उनको वर्षा मिलता है सुखधाम का स्वर्ग का, और जो सन्मुख नहीं आते उनको स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता। अच्छा बच्चे नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे मिलेगा, तो दूसरे तीसरे चौथे और आठवें नारायण को वर्षा नहीं मिलेगा क्या है, उनको वर्षा तो मिलेगा लेकिन उनको वर्षा मिलेगा अपने माँ बाप से, क्या देवताओं से वर्षा मिलेगा, भगवान बाप से उनको डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। और तुम डायरेक्ट भगवान बाप से वर्षा पाते हो, तो डायरेक्ट भगवान बाप से जो पावेंगे उनका तो वर्षा बहुत ऊंचा होगा। क्या ऊंचाई होगी उनका, गिरती कला का वर्षा होगा या चढ़ती कला का होगा, चढ़ती कला का वर्षा मिलता है। उनका वर्षा इतना होता है कि कलाओं में भी नहीं बांधा जाता, सूर्यवंशी सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता, चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। तो बिल्कुल सहज बात है, भारत में देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अब तो कलयुग में देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत कम होते हैं, कहां सतयुग आदि में, सतयुग अंत में फिर भी संख्या 2 करोड़ हो जाती है और सतयुग आदि में तो 9 लाख भी बाद में होंगे, 4.5 लाख भी बाद में होंगे, 16,000 एकदम शुरुआत में श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होगा, बहुत कम होती है। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं और अनेक धर्मों का विनाश करने आते हैं, जो अनेक प्रकार की धारणाएं फैली हुई है संसार में उन सब का खात्मा कर देते हैं। सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी, वहां अपवित्र आत्मा तो कोई रह नहीं सकती है, कहां शांति धाम में या सुखधाम में भी। उनका नाम है पतित पावन,
पतितों को पावन बनाने वाला, सर्व का सदगति दाता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसकी एक जन्म के लिए कम से कम सदगति न होती हो। यह पुरानी दुनिया सत्युग को कहा जाता है, गोल्डन एज। पुरानी दुनिया को कहा जाता है आयरन एज। तो कहां आयरन की कीमत और कहां गोल्ड की कीमत। देवताओं की जो पुजारी हैं वो सहज रीति समझ सकेंगे। क्या देवताओं के पुजारी? कोई देवताओं की पुजारी होते हैं, कोई भूत प्रेतों के पुजारी होते हैं, तो जो देवताओं के पुजारी होंगे वो सहज समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के पुजारी हो, राम सीता के पुजारी हो, वो जल्दी समझेंगे, क्योंकि जो पूज्य बनते हैं वो ही पुजारी बनते हैं। शिव बाप तो न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। बाप आकर के फिर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम उनके बच्चे हैं। ये बात भूलो नहीं। क्या क्या बात नहीं भूलो? हम बाप के बच्चे, हम उस बाप के बच्चे हैं। इस बाप के बच्चे हैं जो सबका बाप है। सारी दुनिया में जो भी ऊंचे ऊंचे हैं, माने जाते हैं महान से महान, उनका भी बाप। क्राइस्ट लोग किसको महान मानते हैं? वो क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को महान मानते हैं। बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध को महान मानते हैं। मुसलमान लोग मोहम्मद को महान मानते हैं। लेकिन उन महान धर्म पिताओं से भी महान कोई है जिनको वो धर्म पिताएं इशारा करते रहे। वो अपने को गॉडफादर नहीं कहते थे, लेकिन वो समझ लेते हैं वो निराकार माने बिंदु। लेकिन ऐसा नहीं, वो बिंदु भी इस साकार सृष्टि पर साकार बनकर के आता है। तो ये बात मत भूलो कि हम उसके बच्चे हैं। अगर भूलेंगे उस बाप को, अगर भूले और कोई और कीमत पर चढ़ पड़े बाप को भूले, तो कोई और की मत पर चल पड़ेंगे, और चल पड़ेंगे तो रोना पड़ेगा। क्या? जब रिजल्ट निकलेगा तो रोना पड़ेगा। कब रोना पड़ेगा? अगर उस ऊंचते ऊंच बाप को एक बार पहचान लिया, अंजाम कर लिया कि हम उसकी मत पर चलेंगे, और उसको भूल गए और कोई दूसरे को बाप बना लिया, उसकी मत पर चल पड़े, तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को अब वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए बैठ करके रोएगा? अभी तो मौत का बाजार बहुत गर्म होगा। भारत में सबसे जास्ती रोती है, क्योंकि दुनिया में जो मौत होता है, जो विनाश होता है, वो उतना भयंकर विनाश नहीं होता है, खौफनाक नहीं होता है। और भारत में खून की नदियां बहती हैं। यहाँ जो लड़ाई होती है उसका नाम यह महाभारी महाभारत गृह युद्ध। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
हर धर्म की आत्मा यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में मौजूद है, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है। हर देश में उनकी अपने धर्म की आत्माएं ज्यादा है, एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में भरी हुई है। यहाँ सब आपस में लड़ते हैं, खून रेजी होती है, मारामारी होती है, और देशों में जो विनाश होगा वो एटम बमों के फटाके होंगे, खेल खलास हो जाएंगे, कोई तकलीफ ज्यादा उनको नहीं होगी। आगे सिंध में 12 मास या हुसैन करते रहते थे और छाती पीटते थे, कौन? मुसलमान लोग। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक की रस्म रिवाज है, क्या कोई मर जाता है तो छाती पीट पीट करके रोते हैं, तुमको अब अमर लोक की रस्मों का रिवाज सिखाए रहे। जो विकारी रस्म रिवाज है वो सब भूल जाओ, क्या अब तो मौत का बाजार गर्म होने वाला है, किसके किसके लिए रोएंगे, रोने की बात खत्म। ये बेकारी रस्म रिवाज भूल जाओ, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। तो कोई मर जाए तो रोना नहीं है, है? क्यों क्यों नहीं रोना है? इसका पार्ट था उसे भी छोड़ जाता है, इसलिए नहीं रोना है कि हम तो परमात्मा बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, क्या अब हम जिस्मानी बाप के जिस्मानी बच्चे नहीं हैं, हम जानते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा तो क्या दूसरा चोला लेगी, तो उसमें रोने की क्या बात, पुराना चोला छोड़ दिया है नया चोला धारण करेगी। जिनका लगाव लगा होता है, अटैचमेंट होता है देह के साथ, वो फिर बैठ रोते हैं। बाप कहते हैं देह और देह के संबंधों को अभी त्याग दें, ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, साफ खलास होनी। अभी तुमको बाप कहते हैं मामे कम याद करो, क्या कोई को याद करके अब रोना रोना नहीं है। माम एकम याद करेंगे तो ऊंचते ऊंच पद पाएंगे, और जितने भी पाप हैं वो सब बस हो जाएंगे, बस बाकी सब खत्म होने वाला है। अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है, नाटक में तो सब एक्टर्स हैं, सब एक्टर्स हैं तो फिर मोह किस बात का रखेंगे। अभी तो हमको जाए करके नई दुनिया में दूसरा पार्ट बजाना है, 14-11-66 की वाणी का दूसरा पीर, वहां रावण की क्या दरकार है? रावण माने रुलाने वाला, और राम माने हंसाने वाला, रमण कराने वाला। अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा में जो पार्ट है वो फिर रिपीट होना है। अभी नाटक पूरा होता है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सबका सदगति दाता है, प्यार का सागर है, ऐसे तुमको भी मास्टर बनना है। सागर में सब बादल पानी भर करके निकलते हैं,
कोई तो बादल अच्छी वर्षा करते हैं, वो फिर आप समान भी बनाते हैं, तो तुमको भी खूब ज्ञान की बरसात करनी है और बहुतों को ज्ञान सुना करके आप समान बनाना है। आंधों की लाठी बनना है, बाप को तो बच्चे मददगार चाहिए, तो बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सारी दुनिया अज्ञान की अंधी है, उन अज्ञान के अंधों को उनकी बुद्धि रूपी हाथ में क्या थमा दो, ज्ञान की लाठी थमा दो, उस लाठी के सहारे सहारे इस विषय वैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। सबको रास्ता बताओ, एक एक ब्राह्मण को अंधों की लाठी बनना है, तुमको अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला है। इनको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, या तिजरी की कथा होती है ना, तिजिया कही जाती है। दो नेत्र हैं शरीर के और तीसरा नेत्र है आत्मा का। मनुष्य तो तब भी समझते नहीं है कि सारी दुनिया में कैसे तुच्छ बुद्धि फैल गई, ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, दूसरे धर्म वाले सब जानते हैं क्या कि हमारा धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, मुसलमान कहेंगे मोहम्मद ने स्थापन किया, सिख कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया, कब किया वो भी बता देंगे। एक भारतवासी है जिनको यही पता नहीं है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, और फिर अब कब स्थापन करने के लिए आवेंगे, कुछ भी पता नहीं। वो दूसरे धर्म के लोग फिर भी जानते हैं कि जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता पैगंबर फिर प्रत्यक्ष होंगे, भारतवासियों को ये भी पता नहीं। शिव जयंती मनाते रहते हैं, जब जयंती मनाते हैं तो सर्वव्यापी कैसे होगा, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है, साकार में कुछ होता है तो उसकी जयंती मनाते हैं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती मनाई जाती है क्या, नहीं, जब प्रत्यक्ष होती है तो जयंती मनाई जाती है। यहां भी ऐसे बाप सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जयंती नहीं मनाई जा सकती, वो जब इस सृष्टि पर कोई मुकर्र रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तब उसकी जयंती मनाई जाती। माना अभी जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव जयंती मनाते हैं वो झूठी मनाते हैं या सच्ची मनाते हैं, झूठी मनाते हैं, जैसे भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं वैसे उनकी देखाधूनी वो भी मनाते हैं। उनको पता तो है नहीं कि शिव कब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, लिया है या नहीं लिया है। अब हमारी समझ में आती है बात कि शिव तीन मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है और तीन मूर्तियों के द्वारा एक साथ प्रत्यक्ष होता है, ऐसे नहीं कि पहले ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा फिर शंकर की मूर्ति के द्वारा और लास्ट में विष्णु के द्वारा, नहीं, तीनों ही मूर्तियां एक साथ प्रत्यक्ष होती है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, बाप और रचना का दुनिया में कोई को पता नहीं है, ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए,
कि हम उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते। ये बड़ी भूल है कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम तो अभी सिद्ध करके बताते हो क्या सर्वव्यापी नहीं है ये कहते हो। वो तथाकथित ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सिद्ध करके नहीं बताते। और तुम सिद्ध करके क्या सिद्ध करते हो? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी, एक व्यापी है। और एक को तुम सिद्ध करके बताते हो कि वो एक कौन है, कैसे है और कैसे कैसे पार्ट बजाएगा, नाम रूप देश खासी सब कुछ बताते हो। तो बोला वो तो सिर्फ कहते हैं, तुम तो सिद्ध करके बताते हो कि वो सर्व का बाप है और सात पतितों का पावन बनाने वाला है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हो, बाद दुख का नाम निशान नहीं होता। कहां जिस नई दुनिया में ले जाते हैं वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अच्छा, वो नई दुनिया में खुद जाते हैं कि ले जाते हैं हमको? ले जाते, हमको नई दुनिया में ले जाते हैं। वो खुद जाते हैं नई दुनिया में है? या खुद ही नहीं जाते तो हमको कैसे ले जाएंगे? जाते हैं बाबा तो मकसद के पास अगर कोई काम चीज रहते नहीं, इस बाबा ही रहते हैं। हां, शिव ज्योति बिंदु साक्षी हो जाता है, लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हमारे साथ जाता है और उसके साथ साथ हम बच्चे भी जाते हैं। शास्त्रों में तो उल्टी सुल्टी बातें लिख दी है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी देखो क्या क्या कहते हैं। लोग कह देते हैं क्या लक्ष्मी नारायण को बच्चे नहीं होते थे? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी वॉइसलेस वर्ड उनको कहा जाता है, विशेष वर्ड तो कहा नहीं जाता है। जो उनको विकारी बच्चे पैदा होंगे वो तो थे ही निर्विकारी, तो विकार से बच्चे पे कैसे पैदा होंगे? वो तो शिष्टाचारी होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले नहीं होते। तो ये विशेष वर्ण और वॉइसलेस वर्ण, विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया, शिष्टाचारी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया, ये नाम तो है ना। नाम है तो वैसे काम भी हुए होंगे। तो फिर कैसे कहते हो कि वहां विकार होंगे? सत्युग त्रेता में भी विकारी दिखाई दिए। वास्तव में जब तक बाप को नहीं जाना है तो कोई भी देवता नहीं बन सकता। क्या कहा? बाप को जाने दो, कोई देवता नहीं बन सकता। पहले बाप की पूरी पहचान मिले फिर उसके बाद कोई भी देवता बन सकता है। दूसरे धर्म की आत्माएं जो द्वापर युग से आती है वो बाप को पूरा पहचानती नहीं है तो वो स्वर्ग में आकर के देवता बनती नहीं। वास्तव में बाप को सर्वव्यापी कहना ये तो बहुत भारी भूल है। अभी तुमने बाप को पहचाना है और कहते हो हम बाबा आपके फिर से बने। फिर से बने यदि आदि में बने थे, आदि में भी बने थे और अभी भी बने। आपसे राजभाग लेने के लिए हम आए। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या गंदी बातें लिख दी। लक्ष्मी नारायण को लिख दिया है सत्युग में और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। एक बात सच्ची लिख दी और दूसरी बात झूठी लिख दी।
और राधा कृष्ण अगर द्वापर में हुए होते तो कलयुग दुनिया स्थापन करके जाएंगे क्या? कृष्ण को भगवान कह देते, उनको द्वापर के अंत में दिखाया हुआ है। अब भगवान आवेंगे, चलो कृष्ण के रूप में ही आवे, तो क्या कलयुग पापी युग की स्थापना करके जाएंगे? ऐसा शास्त्रों में अटरम पटरम लिखा हुआ। बाप कहते हैं सत्य बात, मैं आकर के बताता हूं। कृष्ण तो है नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस, फिर कृष्ण की आत्मा यहां आती है, कहां जन्म लेते लेते संगम युग में आती है। कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकता है? कृष्ण की आत्मा द्वापर में आती होगी, एकदम सबकी पत्थर बुद्धि हो गई, कुछ भी समझते नहीं है। वो तो कृष्ण पर कलंक ही लगाते रहते हैं, कहते हैं मां ने रस्सी से बांधा, ये क्या? कौन सी रस्सी से बांधा है? मां ने रस्सी से बांधा तो कौन सी रस्सी से बांधा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता कृष्ण को रस्सी से बांधे है? अरे काहे से बांधा? इसने की रस्सी से बांधा, इसने की डोरी से बांधा। ये तो जैसे कि उनकी इंसल्ट हो गई, तो ये सब भूले कर दिए शास्त्रों। बाप समझाते हैं मनुष्यों की बुद्धि कितनी मारी गई, तुच्छ बुद्धि बन पड़े। अभी तो समझते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, कहां की शांति धाम, और वो ही हमारा घर है जिसको हम स्वीट होम कहते हैं। स्वीट होम माने स्वीट कैसे है, मीठा घर कैसे? सुखदाम को फिर भी मीठा कहते हैं, शांति धाम को स्वीट होम क्यों कहते हैं? है आत्मा अपने मूल स्टेज में टिक जाती है। जब आत्मिक स्टेज में हम टिक जाते हैं तो आत्मा में हाँ नहीं नहीं कड़ुआपन खत्म खत्म हो जाता है, मिठास आ जाता है। जो रूहानियत है वो मिठास को लाने वाली होती है और जिस्मानियत कड़ुआपन लाती है। तो हम आत्मिक स्टेज में जहां जाकर के रहते हैं बाप के पास, वहां स्वतः ही हमारी आत्मा में मिठास आ जाता है। वहां जाने के लिए हम भक्ति आदि करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। अरे आत्मा को आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे जाएगी रहेगी? सदाकाल के लिए तो शांति हो नहीं सकती। शांति के लिए देखो कितने हठयोग आदि करते रहते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं शांति धाम में आत्मा ही रहती है, अभी हम जावेंगे शांति धाम और फिर आवेंगे सुखधाम पाठ बजाने के लिए। वो तो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं, समझते हैं मनुष्य जो मरते हैं उनके लिए स्वर्ग है। दुनिया क्या समझती है, जो मर गया स्वर्ग पदार्थ, कहां का वासी हुआ? स्वर्गवासी हुआ। अरे कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग तो सतयुग त्रेता में था, अभी इस कलयुग की दुनिया में स्वर्ग कहां से आ गया जो स्वर्गवासी हुआ? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग में था, है
वो नर्क में था, नर्कवास था। हाँ नर्कवासी था तो नरक की दुनिया में ही जन्म लेगा ना, नरक में मरेगा तो नरक की दुनिया में जन्म लेगा, स्वर्ग में मरेगा तो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेगा। यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं इस दुनिया में, तो स्वर्ग में जन्म कहाँ से लेगा? फिर क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ? जो मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। यहाँ की बात है, यहाँ संगम युग में जो देह भान से मरेंगे वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुख की दुनिया का अनुभव करेंगे। अगर देह भान से मरेंगे नहीं, देह और देह के संबंधियों से नष्ट हुआ नहीं बनेंगे तो सुख धाम का अनुभव, शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वो है हद का मरना और यहाँ है बेहद का मरना। मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? नहीं। बाप तो जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं, जिंदा भी बने रहे और जिंदा होते हुए भी मरे हुए भी समान। जैसे कान है ही नहीं, कोई ग्लानी करता है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल, कोई गाली देता है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल, जैसे कान है ही नहीं। आंखों से देखते हुए नहीं देखते, ऐसे ही सब इंद्रियों के लिए। आप कहते हैं कि मनुष्य जो भी करते हैं वो यहां के लिए ही रहता है, बाप तो स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, उसे वैकुंठ कहा जाता है। वो तो ये भी नहीं जानते। तुम कह सकते हो भगवान वाच, ये दान पुण्य आदि करना सब भक्ति मार्ग है। क्या जो भी दान पुण्य करते हैं वो किसको देते हैं? है? गरीब गुनी लोगों को देते हैं। जिन गरीबों को देते हैं वो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? पाप करते हैं। आजकल तो जो मांगने वाले होते हैं, जो भी भिखारी होते हैं जिनको दुनिया देती है, वो एक तरफ लेते जाते हैं और दूसरी तरफ शराब शराब गाने में जाते, शराब पी लेते, तो पाप हुए या पुण्य हुआ? और ही पाप बढ़ता चला जाता है। तो असली दान क्या है? असली दान है ज्ञान का दान, जो बाप देते हैं। अगर धन दान भी करना है तो नई दुनिया की स्थापना में जो भी धन लगेगा वो ही सफल होगा। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र में कोई सार नहीं है। भक्ति है रात, सचयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अच्छा, सचयुग त्रेता में ब्रह्मा होता है? सचयुग त्रेता में तो ब्रह्मा ही नहीं होता, तो ब्रह्मा का दिन कहां से होगा? और द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा नहीं होता, तो ब्रह्मा की रात कैसे हुई द्वापर कलयुग में? ये शूटिंग पीरियड की बात है। इस समय भगवान बाप आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं। जैसे कोई ड्रामा में रिहर्सल कराई जाती है तो यहाँ भी बाप आते हैं रिहर्सल कराते हैं, यहाँ ब्रह्मा भी है तो ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी। जो ब्रह्मा का दिन है तो तुम ब्राह्मणों का दिन है, ब्रह्मा अगर घोर अंधियारे में है तो तुम ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में, ब्रह्मा घोर सोजरे में होगा तो तुम ब्राह्मण भी घोर सोजरे में चले जाएंगे। सोजरे के बाद फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, क्या कहा है? वो दूसरे धर्म वाले जो नारायण है वो बाद में सतयुग में जाते हैं और तुम पहले स्वर्ग में जाते हो। फिर तुम यहाँ वाम मार्ग में आ जाते हो। क्या वाम मार्ग?
पहले पहले तुम स्वर्ग में भी जाते हो और फिर तुम वाम मार्ग में भी आते हो, पहले ब्राह्मण फिर शूद्र भी तुम ही बनते हो, क्या नियम है? जो पहला ब्राह्मण बनता है वो पहला देवता बनता है, जो पहला देवता है वो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय है वो पहला वैश्य, और वो पहला शूद्र, फिर वो पहला ब्राह्मण। तो ये तुम बनते हो वास्तव में है शिव भगवान वाज, वो कह देते हैं कृष्ण भगवान वाज, कौन तथाकथित ब्राह्मण भी कह देते हैं, दुनिया वाले भी कह देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है क्या कि जो भी सच्ची बात वो वाच करने वाला है बोलने वाला है वो स्वयं शिव परमात्मा है, और शिव परमात्मा भी बिंदी नहीं है, बिंदी बन करके नहीं बोलता है, यकी आज में भी वो बिंदी बन करके नहीं बोला था, जैसे किताबों में लिख दिया है निराकार स्वरूपम शिवो हम ऐसे लिख दिया है ना, ये बातें गलत है, मनुष्यों की लिखी हुई बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूं, तो वास्तव में शिव भगवान वाच है, वो कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच, और मैं कहता हूं शिव भगवान वाच। ओम।